आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। सभी NSUI कार्यकर्ता गोपाल मंदिर के पास एकत्रित हुए, वहां से रैली के रूप में त्रिपुरा चौराहे पर स्थित भगवान बिरसा मुंडा जी पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। NSUI जिलाध्यक्ष विनय भावर ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे आदिवासी समाज को जागरूक कर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज हुकूमत की नींव की हिलाकर रख दिया था। बिरसा मुंडा जी अपने आदिवासियों की सेवा करते हुए देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर छोटी सी उम्र में शहीद कर दिया। आज हम सभी युवा यह प्रण लेते हैं कि आदिवासी समाज में नशा न करने के लिए समाज में जन जागृति लाएंगे, नशा नहीं करने देंगे और न ही करेंगे। आज हमारा आदिवासी समाज नशे के कारण पिछड़ता जा रहा है, इसलिए सभी युवा ये प्रयास करेंगे कि युवा नशे से दूर रहे और कोई भी आदिवासी समाज पर अत्याचार करेगा उसके खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर किल्लू भूरिया, दिनेश मेड़ा, नरवेश अमलियार, धर्मेंद्र बामनिया, प्रकाश सूरज, राहुल बारिया भूरिया, मानसिंह सिंगार, कैलाश डामोर, कैलाश भूरिया, संजय डामोर, मुकेश भूरिया, पापू वाखड़िया, प्रफुल्ल डोरियार, खेमराज पापू हटीला, सुनील बाबेरिया उपस्थित रहे। झाबुआ से संवाददाता दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। पर थोड़े यहाँ जागरूक दिखाना है, यूँ आज बिरसा मुंडा की जयंती पे, आज बिरसा मुंडा की जयंती पे हम सभी युवा ये प्रण लेते हैं कि हम हमारे समाज को जागरूक करेंगे कि हम नशे से दूर रहेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप नशा ना करने दे। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। काम होगा चाहे वो कोई भी हो, आज क्या हो रहा है पूरे हिल आदिवासी समाज में बहुत भेदभाव किया जा रहा है, लड़ाई डाल दी गई है कि उन लोगों द्वारा, तो हमें लड़ाना नहीं है, हमें एक होकर लड़ना है और हमारे समाज के युवा उनके आगे बढ़ाना है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जयंती है और पूरे प्रदेश में बिरसा जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उसी में कड़ी में हम झाबुआ में भी धूमधाम से बिरसा जी की जयंती मना रहे हैं। आज सभी युवा उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें भी बिरसा जी के तरह संघर्ष करना है, क्योंकि आज देश में बहुत ही खराब माहौल है, जिसे हम सभी आदिवासी भाइयों को मिल के, हमारे आदिवासी युवाओं को मिल के, हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि आज हमारे युवाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हमको काम करना होगा। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे युवा नेता अमलियार साहब आए और हमें दो शब्द बोले और हमारे समाज के बारे में हमारे युवा को मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो युवा योद्धा, आदिवासियों के योद्धा कहे जाने वाले, उनकी जयंती है और उनके उपलक्ष्य में आज पूरे देश भर में, अभी तो बाहरी विश्व में भी आज के दिन कि कहीं इनकी जयंती मना रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे समाज में थोड़ा थोड़ा जो है समझदारी आने लगी है, तो सरकारें वगैरह भी जागी है कि यार समाज का कुछ किया जाए। कल तक अपना नाम नहीं था कहीं तक, और आज जो हमारे ऐसे महान पुरुषों को याद किया जा रहा है, उसके लिए हमको समाज को आगे लाना पड़ेगा। जैसे ब्रिटिश हुकूमत को हिला दी थी बिरसा मुंडा जी ने, कि समाज को इकट्ठा किया था, आदिवासी समाज को संगठित करके, तो इनको गिरफ्तार करके फिर फांसी दे दी गई थी। और बहुत धन्यवाद।